दो तीन शेर पहले सुनाती हूँ। लड़कियों की जिंदगी पर मेरी ये गजल है, क्योंकि सबसे ज्यादा तालियां ये बजा रही है, इनकी बात तो मुझे मालूम है। सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये है और मौसम भी मेहरबान है। देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लड़कियों की जिंदगी हम लोगों की कैसी होती है। दो तीन शेर सुनाती हूँ, उसके बाद जिस रचना के लिए मुझे अरुण जी ने कहा है, पूरी संस्था के लोगों ने कहा है, वो मैं सुनाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, आपने शुरू की है, वाह वाह वाह। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। एक पथरी डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये शेर सुनिए कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही होती हैं, पता नहीं होता उन्हें कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, जिंदगी। और बहुत नाजुक सी बात कहती हूँ कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। जो भी स्त्री घर से निकलती है उसे इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी, वो चमकता कांच। और एक ऐसा शेर सुनाती सुनिए कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। लड़कों के ग्रुप में खास बात होती है, जो भी लड़का अपने गली की मोहल्ले की शहर की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। तो ये शेर सुनिए कि हर घड़ी है बड़ा बेताब, और है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी, आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। और एक बहुत नाजुक सा शेर कि एक खुश फहमी जिंदगी पहले सुनी थी मैं इसमें कॉलेज में थी और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज मैं सुबह से इनका इंतजार कर रही थी और ये कविता मेरे दिल के इतने करीब है, इतने करीब है कि आज अगर मैं कविता लिखती हूँ तो कीर्ति काले जी की वजह से। एक खुश फहमी जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुश फहमी के जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुश फहमी के जिसको जिंदगी कहते हैं लोग। इसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, इसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, कि इसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। देखिए सबसे सुखद क्षण होता है
जब श्रोताओं में से उठकर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कहे कि मुझे आपकी रचनाएं पूरी तरह से याद है और ये हिम्मत करे कि मंच पर आकर उस हमारी रचनाओं को अगर सुना दे, तो मेरे लिए आज सबसे बड़ा दिन मैं मानूंगी। बहुत ही अच्छा लगा इस कविता के लिए मुझे अरुण जी ने और सभी लोगों ने कहा है। मैंने बेटी की विदाई पर एक कविता लिखी है। हर स्त्री के जीवन में वो क्षण आता है जब वो अपने मायके से विदा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है, एक नए जीवन में प्रवेश करती है। तो हमारे परिवार में मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी और साथ में हास्यरस के बहुत बड़े रचनाकार, बहुत संवेदनशील गीतकार श्री सुरेंद्र दुबे जी जो जयपुर में रहते थे, उनकी बेटी कविता की भी शादी थी। तो मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और कुछ सालों बाद मुझे उसे भी विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने बेटी की विदाई पर एक रचना लिखी। आप लोग सुनिएगा। राजगोपाल जी के दो दोहे पहले सुनाती हूँ। बहुत बड़े कवि हुए हैं राजगोपाल सिंह जी। उनके दो दोहे हैं कि कैसा रस्म रिवाज है कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के दो तीर हैं बिटिया का संसार, कि आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार। तो नदी के दो किनारों की तरह हमारा जीवन है। बस मेरी इस रचना को सुनेगा जो मैडम यहाँ पर लगातार फेसबुक या ट्विटर या उसको मोबाइल पर है। थोड़ी देर हमें भी अगर आमने सामने सुन लेंगी तो हमारा हम भी कृतार्थ हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सुंदर आप दिखाई दे रही हैं और आपके हाथ में इतना अच्छा मोबाइल है कि मेरा थोड़ा मन ललचा जाता है। मैं शुरुआत करती हूँ, एक बार तालियां बजा दूँ। भर भर आए नैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुरा, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे बिटिया चली है ससुराल, और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी, और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे बिटिया चली है ससुराल, और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चुनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे बिटिया चली है ससुराल, और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे
सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई। आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई। कैसे तू बिटिया मैं तुझको बिदाई, और छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए। कैसे दू हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना। प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना। स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी। रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कीर्ति काले जी का, हम सभी को सीधे हमारे विदाई के पलों में पहुंचा दिया। कुछ जो विदा हो चुकी, कुछ जो होनी बाकी है। शायद ही कोई आंख ऐसी होगी जो नम ना हो, दिल पर हाथ रख कर बताइएगा, आप में से एक भी ऐसा इंसान है जो चाहता था कि कीर्ति काले जी के ये गीत यहीं थम जाए, वो बैठ जाए? क्या दिल नहीं चाह रहा था कि वो केवल और केवल हमें अपने गीतों में सराबोर करती रहे? अगर किसी के गीत किसी की आंखों के आंसू बनकर निकल जाए और एक चट्टान जैसा इंसान भी फूट फूट कर रो पड़े, उसे सच्चे गीत कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर हरीश अरोड़ जी का भी कहना है, जिनमें दर्द नहीं होता वो गीत नहीं होता। सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी मैं पिंकिश संस्था को, उसका एक उद्देश्य कम से कम अभी इसी वक्त इसी मंच पर पूरा हुआ। इस पिंकिश संस्था का पहला और आखिरी उद्देश्य है समाज में महिलाओं का उत्थान करना, समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं और सामान्य आम महिलाओं को एक ही मंच प्रदान करना। जोरदार तालियां हो जाए, जिस तरह अभी अभी हमारी श्रेया जी ने आकर कीर्ति काले जी के साथ उन्हीं के कविता को उनके गीत को गुनगुनाया, ये मंच सिवाय पिंकिश शायद कहीं और किसी को नहीं मिल सकता। हम सभी बधाई के पात्र हैं दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां पिंकिश के नाम। नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय।